हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट के नेक्स्ट चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है, इनके बारे में बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम में बात करते थे कि फॉसिल फ्यूल्स की, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स डीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेनिंग द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किससे बनते हैं डेड जो पार्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि मान लीजिए कोई डेड ऑर्गेनिजम्स है, जैसे प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, अगर वे बरिड डाउन हो जाएं, नीचे ज़मीन के अंदर दब जाएं, तो उसकी जैसे जो बनते हैं फ्यूल वो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स में जैसे कि बात करते हैं हम लाइक कोल, कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, COAL। कोल के अलावा कोक, चारकोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोल की। कोल क्या है, देखिए आपको इसमें जब तक स्क्रीन शॉट लेकर के नोट करने के लिए ना कहा जाए, आप इसमें स्क्रीन शॉट लेकर नोट नहीं करना है आपको, आपको ओनली रीड करना है इसको और अंडरस्टैंड करना है। कोल की बात करते, देखिए कोल को हम जनरली कोयला बोलते हैं। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, यानी कोयला क्या है, एक फ्यूल का टाइप होता है जिसको हम फूड कुक करने में हेल्प लेते हैं, या इसको फूड कुक करने के लिए यूज में लेते हैं। पहले क्या होता था कि इसको जो रेलवे इंजन्स होते थे, रेलवे के अंदर जो ट्रेन्स होती थी पहले पुराने टाइम में, उनके अंदर जो इंजन होते थे स्टीम इंजन, उनके अंदर इसको फ्यूल के रूप में काम में लेते थे, और उस स्टीम से फिर क्या होती थी, ट्रेन को चलाई जाती थी। इसको थर्मल पावर प्लांट में भी यूज में लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और इसके अलावा इसको कई इंडस्ट्रीज में भी काम में लेते हैं फ्यूल के रूप में। कुछ इंडस्ट्रीज में जहाँ पर हीट की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसमें कोल को यूज में लिया जाता है, ठीक है।
जैसे कि इट वॉज यूज्ड इन स्टीम इंजन्स इन रेलवे। इसको स्टीम इंजन्स में यूज में लिया जाता था रेलवे के अंदर। एंड इसके अलावा इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसको थर्मल पावर प्लांट में भी यूज में लिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो टरबाइन होता है, ठीक है, एक जनरेटर होता है, जनरली क्या होता है, एक जनरेटर, इस जनरेटर से एक आर्मेचर जुड़ा होता है, शाफ्ट बोल सकते हैं जिसको हम आर्मेचर, और इस आर्मेचर से एक टरबाइन जुड़ा होता है एक, जिसके अंदर कुछ ब्लेड्स होती हैं, यानी पंखुड़ियाँ होती हैं, जिसके अंदर टरबाइन के अंदर कुछ पंखुड़ियाँ होती हैं। इसको क्या करते हैं, जनरेटर तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जब इसमें आर्मेचर घूमता है। ठीक है, तो इस आर्मेचर को घुमाने के लिए इन ब्लेड को काम में लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं टरबाइन, और ये टरबाइन घुमाने के लिए क्या करते हैं, स्टीम काम में लेते हैं, यानी स्टीम यानी वेपर, पानी का जो वेपर है उसको स्टीम बनाई जाती है, उसकी भाप बनाई जाती है उसकी। और उस स्टीम बनाने के लिए पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म किसकी हेल्प से करते हैं, कोल की हेल्प से, कोयले को यूज में लेते हैं पानी को गर्म करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में। और उस पानी से फिर स्टीम बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है, जिसको कि टरबाइन घुमाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, और जैसे टरबाइन घूमता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है जनरेटर, तो इस तरह से उसको वहाँ पर काम में लेते हैं कोयले को थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका यूज, इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज ए फ्यूल। इसको हम फ्यूल के रूप में अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज में लेते हैं। देखिए कोयले की, इसकी स्टोरी की बात करें, कोल की बनने की, कैसे कोयला बनता था, तो इसकी बात करते हैं, जैसे अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 300 मिलियन साल पहले क्या है, जो अर्थ है उसके अंदर डेंस फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट पाए जाते थे। ठीक है, किसी रीजन के बस किसी कारण से जो डेंस फॉरेस्ट हैं, यानी नेचुरल प्रोसेस से कह सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस जैसे कि फ्लड हो सकती हैं, बाढ़, ठीक है, इसके अलावा बाढ़ के अलावा कुछ अर्थक्वेक हो सकते हैं, ये भी नेचुरल प्रोसेस में आता है अर्थक्वेक, इनकी वजह से जो वो डेंस फॉरेस्ट हैं गॉट बरीड अंडर द सॉइल, कहाँ दब गए हैं, अंडर द सॉइल, जो प्लांट्स थे वो अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर दब गए, किसकी वजह से, फ्लड और अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप और बाढ़ की वजह से। अब वो 300 मिलियन ईयर पहले दबे थे इसमें, ठीक है, सोइल के अंदर,
अब सोयल के अंदर तो हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर होता है, जितना नीचे जाएंगे सोयल में टेम्परेचर उतना इंक्रीज होता जाता है, और हाई प्रेशर भी होता है, प्रेशर भी हाई होता है, ठीक है। इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। किसमें? ये सारे जो फॉरेस्ट थे कोल में कन्वर्ट हो गए, कोयले में। इस तरह से जो है ये कोयला बना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कोक की। पहला तो कोयला हो गया कोल, नेक्स्ट बात करते हैं हम कोक की। इसकी बात करते देखिए, इट इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये क्या है? एक टफ हार्ड सब्सटेंस है। पोरस मतलब इसमें कुछ होल पाए जाते हैं, इसमें छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, एंड ब्लैक सब्सटेंस, और ब्लैक सब्सटेंस होता है ये। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म, ऑफ कार्बन। ये लगभग कार्बन की प्योर फॉर्म होता है कोक। इसको कहाँ यूज करते हैं देखिए, कोक इज जनरली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। यानी इसको हम बहुत सारी मेटल्स को एक्सट्रैक्शन यानी उनको प्योर करने में या स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने में इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए थर्ड है कोल तार की। कोल COAL, कोल तार। कोल तार की बात करते हैं देखिए क्या होता है ये। इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड ये क्या है? ब्लैक थिक गाढ़ा काला लिक्विड होता है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल यानी इसकी स्मेल जो है वो हमको अच्छी नहीं लगती, अजीब सी स्मेल होती है इसकी, जो हमको बिल्कुल जो है पसंद नहीं आती, ठीक है। हमारे लिए सूंघने में बहुत ही बेकार स्मेल होती है इसकी कोल तार की। ये एक मिक्सर होता है जिसमें लगभग 200 सब्सटेंस से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, तो मिक्सर है एक तरह का, ठीक है। कोल तार से हम कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, उनमें इसको जनरली कुछ इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है कोल तार को। इससे कुछ डाइज, कुछ कलर बनाए जाते हैं, कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कुछ प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं इससे, ठीक है।
यानी कहने मतलब इससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है इस कोल तार से। उसकी यूज़ देखिए इसके, कोल तार इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम डाई, कुछ डाई बनाई जाती है इससे, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, यानी बारूद वगैरह बनाने के लिए काम में लेते हैं इससे, परफ्यूम भी बनाते हैं इससे, यानी पेंट्स, रंग बनाए जाते हैं इससे, कलर, एंड इसके अलावा कुछ प्लास्टिक्स बनाने में इसको यूज में लिया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में इसको यूज में लेते हैं। एंड रूफिंग मटेरियल, रूफिंग मटेरियल्स यानी रूफिंग मतलब कुछ रूफिंग यानी रूफ्स बनाने में या फिर जो सड़कें वगैरह बनाने में इसको काम में लेते हैं कोल तार को, इसको डामर भी बोल देते हैं हम, ठीक है। और जो सड़कें बनाने के लिए जो कोल तार यूज में लेते हैं उसमें मेनली होता है कौन सा, बिटुमिन, बिटुमिन इज यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन, बिटुमिन को, बिटुमिन एक कोल तार है जिसको हम क्या करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में काम में लेते हैं, सड़कें बनाने में काम में लेते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की नेक्स्ट वीडियो में।